सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास में लास्ट स्केल की कागज बाट करेंगे। 32 नंबर स्केल है, इसकी लेंथ है 102 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर, हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने इसको हाइट की तरफ कागज को रखा है और हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ को काटना है। तो 102 और 70 है 172 और इसमें फुट्टा जो यूज किया है वो है 1.10 सेंटीमीटर। तो ये फुट्टा हमने इसमें यूज करना है 1.10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से 172 सेंटीमीटर लेना है पहले। तो ये हमारा है 50, 60, 70 और 72 और हमने यहाँ से न्यून कोण बनाना है इस तरह से। इसमें हमने तीन निशान हमने इसमें लगाने हैं, एक दो और तीन इस तरह से। ये हमारे हैं 0, 1, 2, 3। तो हमने तीन जो लास्ट पॉइंट है इसको यहाँ लास्ट पॉइंट के साथ मिला देना है। इसके समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से और फिर हमने रेखा लेनी है 1 से इस तरह से। हम देख सकते हैं कि हमारा बराबर है 1, 2, 3 बिल्कुल बराबर है। इस तरह से हमने एक भाग यहाँ पर छोड़ देना है और अब हमने लेनी है इसमें इसकी लेंथ। लेंथ है 102 सेंटीमीटर। यहाँ से 102 सेंटीमीटर हम काटेंगे, ये 100, 102 और हम काटेंगे एक भाग यहाँ से। हम काटेंगे इसमें ब्रेथ 70 सेंटीमीटर है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं 50, 60, 70 हमारा एक भाग बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक भाग, फिर हम काटेंगे इसकी लेंथ यहाँ से 102 सेंटीमीटर, फिर हम काटेंगे एक भाग, फिर है हमारी ब्रेथ 70 सेंटीमीटर, 50, 60, 70 एक भाग हमारा बच जाएगा। हम यहाँ लाइन लगा देते हैं ये लाइन हम हल्के लगाएंगे क्योंकि इसमें से बीच में हम कुछ लाइनें मिटानी होती है। हम हाइट में देखेंगे तो हाइट इसकी है 160 और 70 एक 230। तो ये हमारा है 200, 10, 20, 30 और बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने हैं। तो यहाँ हमने इस पर निशान लगा देने हैं 5 1, 2, 3, 4 और 1, 5 इस तरह से हम इसमें गिनती लिख देंगे। एक नंबर हम लिख देंगे इसमें 2, 4, 5 और हमने यहाँ पे 5 को लास्ट पॉइंट के साथ हमें मिला देना है इस तरह से। हमने इसी के समानांतर रेखा लेनी है 4 से तीन
दो, एक। और देख सकते हैं, दो तीन चार पाँच, हमने दो भाग जितना प्रकार खोलना है। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे, फिर हम काटेंगे इसकी हाइट। इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो 150, 160, फिर हम काटेंगे एक भाग। हम काटेंगे ब्रेथ, ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर। और ये आप देख सकते हैं 50, 60, 70, दो भाग हमारे बच जाते हैं। तो हमने लेने हैं यहाँ से दो भाग, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमने दो भाग ले लिए। हम काटेंगे इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर है, एक भाग। तो हम काटेंगे इसमें ब्रेथ जो हमारी है 70 सेंटीमीटर, 50, 60, 70 सेंटीमीटर। दो भाग हमारे बच जाएंगे, हम इसको मिला लेते हैं। ऐसे ये हमारी लास्ट लाइन है। इस तरह से यहाँ हम इसको तिरछा लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे पूरी लाइन लगा के इधर को भी हम इसको मिला सकते हैं। ये दोनों साइड को बाहर को है जो रेखा है, और ये जो इसका ये वाली रेखा है इसको हम यहाँ भी एक्स्ट्रा भार को बना सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका छज्जा है वो 90 डिग्री पे है, तो ये तिरछा हमारा बाहर को जाएगा। हमारे पास जो फालतू रेखाएं हैं इनको हम मिटा देंगे, और जो लाइट है इनको हम डार्क कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ इसकी इसमें हाइट लिख देंगे 160 सेंटीमीटर, की ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर, लेंथ है 102 सेंटीमीटर। यहां इसमें स्केल नंबर लिख देंगे 1.10 सेंटीमीटर। यहां स्केल कार्ड बना भी देंगे, इसमें यहाँ हम इसमें लिखेंगे इसकी एलिवेशन, लिखेंगे साइड, प्लान, प्रोजेक्शन। इस तरह से ये स्केल नंबर है 32। इस तरह आपने इसकी कागज बांट करनी है, और सफाई से आपने इस स्केल को बनाना है। बड़ी आसान स्केल है। इस स्केल की का लिंक, सॉल्व स्केल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। आप वहां से भी स्केल को देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।